तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में, और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का एक और माइंड, मतलब एक और मतलब इसी सीरीज का एक माइंड मैप, जिसके अंदर हम कुछ ही मिनटों में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा चैप्टर रिवाइज होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका माइंड मैप देखिए, आपका जो पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक से। आप सभी जानते हैं कि तीन ऐसे देश थे जहां से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी थी, चाइना, जापान और कोरिया। और बेसिकली कहां पे प्रिंट हो रही थी, वो हो रही थी आपकी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर वन साइड प्रिंटेड चल रही थी, मतलब एक पेज के एक साइड पर प्रिंट चल रहा था। कैलीग्राफी से यानी बड़े सुंदर सुंदर तरीके से उस पर लिखा जा रहा था, नक्काशी करी जा रही थी, ब्लॉक प्रिंट चल रहे थे यानी ठप्पा मारा जा रहा था। ये क्यों चल रहे थे? क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम था, ठीक है, जो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसके लिए बुक प्रिंट की जा रही थी। और बहुत तादाद के अंदर जैसे लोगों ने प्रिंट करना या फिर पेपर देना स्टार्ट किया तो प्रिंट होना स्टार्ट भी हो गया। सेम यही प्रिंट आता है फिर जापान के अंदर एडी 1868 के अंदर अंदर, जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र थे, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो डायमंड सूत्र प्रिंट करते हैं, ठीक है। जापान के अंदर बेसिकली जो बुक्स थी वो ज़्यादा फैलने लगी, वहाँ पे प्रिंट्स होने लगे, और प्रिंट्स भी बेसिकली किस पे, कार्ड्स पे और बाकी सब चीज़ों पर। इसी को लेकर वहाँ पर एक सेंटर बन गया एडो, जिसको टोक्यो के नाम से आज जाना जाता है। और वहाँ पे लोग आते थे, बातचीत करते थे, बैठते थे और बुक्स पढ़ते थे। यही प्रिंट उठ के गया यूरोप। यूरोप के अंदर जो मार्को पोलो थे जो घूम रहे थे हर जगह, ठीक है, वो इटली लौटते हैं और चाइना के अंदर एक्सप्लोर करके, ठीक है, और वहाँ से वो ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक ले जाते हैं अपने यहाँ पर, और ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से वहाँ पर प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। वो बेसिकली वेलम पे ब्लॉक प्रिंट करते हैं, ठीक है। वेलम क्या था ये बात देख लेते हैं। वेलम होता है बेटा एनिमल स्किन, यानी काफ़ी पतली स्किन होती है जिसपे हम प्रिंट करते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने कैलीग्राफर्स रखे थे, ठीक है, बहुत सारे स्क्रिबलर रखे थे। क्या रखे थे इन्होंने? स्क्रिबलर्स रखे थे। और स्क्रिबलर क्या करते थे भैया, लिखते थे जो वो बोलते थे, और किताबें प्रिंट हो रही थी, लोगों को पढ़ने का शौक आया और नई नई किताबें थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई वो बहुत महंगा था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था, जिसको लेकर गुटनबर्ग ने उसका सोल्यूशन दिया और प्रिंटिंग प्रेस बनाई स्टर्सबर्ग में, जर्मनी के अंदर। जॉन गुटनबर्ग ने डेवलप की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1430 के अंदर, और सबसे पहली बुक प्रिंट करी कौन सी? बाइबल। और प्रिंटिंग कल्चर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर आता है उसी से प्रिंट रेवोल्यूशन, और एक नई रीडिंग पब्लिक आ जाती है। प्रिंटर्स जो पब्लिश थे वो बलार्ड, फोक टेल्स, ठीक है, ये सब प्रिंट कर रहे थे, और लोग घूम रहे थे और उनको पढ़ रहे थे, और जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको सुना रहे थे। ट्रेवल्स बनते हैं। ट्रेवल्स क्या होता है? जहाँ पर शराब पी जाती है और मतलब बैठ के बातचीत करता मस्त चल रहा है ये सब, उसको हम ट्रेवल्स कह रहे थे, ठीक है। चलिए रिलीजियस डिबेट स्टार्ट होती है, क्योंकि लोगों ने पढ़ना चालू करा, आइडियाज आए, और जैसे ही आइडिया आते हैं वहीं पर काम 35 हो जाता है। और 1517 के अंदर मार्टिन लूथर किंग जो होते हैं वो 5 थीसिस, ठीक है, सॉरी 95 थीसिस लिखते हैं कि भाई चर्च कैसे हमें रॉन्ग थिंग्स दे रहा है, यानी चर्च की जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से बताई जा रही हैं, और ये डिबेट की बात करते हैं, लेकिन इनसे कोई डिबेट नहीं करता। और मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भगवान की दी हुई सबसे बेहतरीन गिफ्ट है हमें, और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें बहस करनी चाहिए, यानी जो चीज़ गलत है उसको बहस करना चाहिए। जिसको लेकर चर्च जो था, जो चर्च थे वो गुस्से में आ गया, यार हमसे ऐसी बहस कैसे कर रहे हो, जो हम कहेंगे वो सही है। और इसी की वजह से दो तरीके से पार्ट डिवाइड हो जाते हैं चर्चेस के अंदर, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आप सभी जानते हैं कैथलिक और प्रोटेस्टेंट डिवाइड पार्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर। सेम इसी के बाद आता है प्रिंट एंड क्रिश्चियनिटी। जो मिनोकियो तो मिलर थे जो इटली के, ठीक है, मिनोकियो जो माइलर थे इटली के अंदर, ठीक है, वो कहते हैं जो मैसेज ऑफ बाइबल है वो अलग है, वो उन्होंने रीइंटरप्रेट किया, क्योंकि भैया प्रिंट हो रही है बाइबल, वो पढ़ते थे और कहते थे कि भाई ये तो कुछ और ही कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हो, ठीक है। तो चर्चेज ने कहा कि यार हमारे ऊपर कैसे तुम आवाज उठा सकते हो। तो जो रोमन चर्च थे उन्होंने इंक्विजिशन किया हेराटिकल आइडियाज के लिए। इंक्विजिशन मतलब फांसी पे चढ़ा देने, सजा देना, ठीक है। अब हेराटिकल आइडिया क्या थे? जो धर्म को नहीं मानते थे, अगर आप धर्म को नहीं मानेंगे तो हम आपको सजा देंगे। और इसी के लिए उनको एग्जीक्यूट किया गया था दो बार बंद करके, और 1515 के अंदर का बहुत सारी बुक्स थी जिनको प्रोहिबिट कर देंगे कि आप इसको छाप नहीं सकते। अब लेकिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, चर्चेस ने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, और जिससे क्या हुआ, एलमैंकेस और कैलेंडर्स बनने लगे, लोगों के बीच के अंदर प्रसारित होने लगे। प्रिंट कल्चर से ही कैलेंडर बन के तैयार हुए, और लोगों ने कहा यार किताबें तो पढ़नी चाहिए। अब किताबें पढ़नी चाहिए लेकिन किताबें महंगी। अब किताबें महंगी है तो क्या हुआ, बिब्लियोथेक जैसी बुक्स आई, बिब्लियोथेक ब्लू जैसी बुक्स आई जो काफ़ी सस्ती थी, चैप बुक्स आई, और चैपल मैन इनको बेचते थे, पैनी बुक्स भी कहते थे, यानी एक एक पैसे की किताब आई, ठीक है। न्यूटन ने अपनी डिस्कवरी प्रिंट करी, ठीक है, वॉलेटाइल जेन जैक रूसो ने अपने थ्योरीज को इस पर लिखा और लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया, यानी फिलोसफीज को पहुंचाया। अब फिलोसफी जैसे ही पहुंची तो लोगों को पता चलने लगा कि हाँ राजा जो है वो गलत कर रहा है, और राजा के खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। इसी को ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो लुईस सेबेस्टियन मर्सियर थे इकोनॉमिस्ट 18वीं सेंचुरी के अंदर, उन्होंने डिक्लेयर किया जो प्रिंटिंग प्रेस है सबसे पावरफुल इंजन है, ठीक है, इससे आप अपने विचार पहुंचा सकते हो और जो राजा की गद्दी है वो कांप सकती है और लोगों को पता चल जाएगा कि सिंगल आइडिया क्या है।
इसी को लेकर स्टार्ट होता है आपका क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर तीन पार्ट आते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया आप गलत कर रहे हैं, दूसरे पे डिबेट होती है, और तीसरे पे कैरिकेचर्स बनाकर उनके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, और उनको मॉक किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है मोनार्की को कि भैया तुम तो गलत कर रहे हो, तुम्हारे तो बस की कुछ है भी नहीं। फिर वहीं से 19th सेंचुरी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होती है, 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गई। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है महिलाएं और बच्चे, एक नए रीडर आते हैं, ठीक है, महिलाएं भी पढ़ना स्टार्ट करती हैं और उनको पढ़ने में काफ़ी आनंद आ रहा होता है, और महिलाओं के लिए भी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की जाती है, मतलब प्रिंटिंग स्टार्ट की जाती है, बहुत सारी महिलाएं राइटर भी उसके अंदर शामिल होती हैं। वहीं पर जो बच्चे थे, बच्चों के लिए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ग्रिम ब्रदर्स ने, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी। वहाँ पर जो नर्सरी राइम थी उनको इकट्ठा किया गया और बच्चों को बताया गया। इसके अलावा एक और इनोवेशन होती है, ठीक है, रिचर्ड एम हो सिलेंडर प्लस इनोवेट कर लेते हैं जो अभी तक नहीं था, यानी अब जो अभी तक इस तरीके से चल रहा था वो सिलेंडर के प्रेस, सिलेंडरल प्रेस के अंदर यूज करने लगे, और यहीं से न्यूज़पेपर का आविष्कार भी स्टार्ट हो गया और कलरफुल प्रिंट इस्टेब्लिश हो गए। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर ये आता है कि भैया अब तो चीज़ें बिखर जाएंगी, ठीक है, हमारी बिक्री नहीं होगी, लेकिन प्रिंट कल्चर अभी भी लेवल पे था, क्योंकि प्रिंट कल्चर ने क्या किया, सस्ते पेपर पे चीज़ों को अच्छे से प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया और द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट था, हमारे यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी, ठीक है, पाम लीव्स पे चलती थी, हैंड रिटन होते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल थे, महंगे थे, हर कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, यानी जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी, ठीक है, और हमारे यहाँ पर हर कोई पढ़ तो सकता नहीं था, तो डिक्टेट करके, बंगाल के अंदर ये लिखा गया है, और मैक्सिमम जो गुरुकुल थे वहाँ पर डिक्टेट करके सब कुछ बताया जाता था। फिर आता है प्रिंट्स, जब इंडिया आता है तो कैसे होता है, जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो सबसे पहले गोवा में आई, पोर्टुगीज मिशनरी लेकर आए, और वहाँ पे सबसे पहले किताब कौन सी छापी गई, बाइबल। फिर उसके बाद कोंकणी, कन्नड़ा, इन लैंग्वेज के अंदर भी ये सारी जो बाइबल था वो छापी गई। फिर जेम्स ऑगस्टस सिक्की बंगाल गजट को पब्लिश करते हैं, लेकिन वॉरन हेस्टिंग्स पे बैन लगा देते हैं क्योंकि ये उनके बारे में गलत लिखता है। फिर उसी के बाद वीकली बंगाल गजट आता है जो, ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य पब्लिश करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास रिलीजियस रिफॉर्म, जो पब्लिक डिबेट में होता है, संवाद कौमुदी, जो राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि भैया हमारे समाज में कितनी गलत चीज़ें चल रही हैं, और उसी के खिलाफ समाचार चंद्रिका भी लगाई जाती है, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस लगाते हैं या हिंदूज लगाते हैं कि भैया जो आप कह रहे हो वो गलत है और जो हमारे चीज़ें वो सही हैं, ठीक है। 1822 तक दो न्यूज़पेपर, पर्शियन न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते हैं, जामे जहान नामा और शमसुल अख्तूबर। जो न्यूज़पेपर है वो एक नए प्लेस को, नए आइडिया को कन्वे करते हैं, ठीक है। इसी को लेकर देवबंद के अंदर मुस्लिम स्कॉलर्स आते हैं और कहते हैं हम फतवा जारी करेंगे, यानी जो भी हमारी टीचिंग्स वो गलत बताएगा हम उसको, उसके लिए फतवा जारी करेंगे, भैया एक नोटिस है, ठीक है। और इसको बेनिफिट क्या था इसके, जब इंडिया में बेनिफिट क्या है कि रामचरितमानस, गीता, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हर एक घर के अंदर पहुँचने लगी, और नवल किशोर प्रेस लखनऊ में स्टार्ट हो गई। अब नए फॉर्म्स क्या आए पब्लिशिंग के, जो कैलेंडर थे, स्टोरी राइटिंग थी, ऐसे से ब्लाट से, ये सब लोगों तक पहुँचने लगे, ठीक है। राजा राम मोहन ने पेंटिंग, सॉरी, ठीक है, राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, और पेंटिंग्स हर घर तक पहुंचने लगी, और लोगों को लगने लगा हम अपने घर को सजाएंगे, चाहे वो पेंटिंग्स सजाएं, चाहे इजी, मतलब ऐसे ऐसे सजाएं, चाहे अपनी कविताएं बोले, वो सब, ठीक है। वुमन एंड प्रिंट, हमारे यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन महिलाओं ने फिर भी बहुत मेहनत से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। और वहाँ पर जैसे अमर जीवन जो रासुंदरी देवी जी ने लिखी, कैलाशवासी देवी ने कहानियाँ लिखी, ताराबाई शिंदे जो महाराष्ट्र में लिखी, ठीक है, इसके अंदर ये बताया कि महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए, ठीक है। 1870 के अंदर कैरिकेचर्स बनाए, कार्टून्स बनाए, जो पब्लिश हुई जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर के अंदर, वो ये बता रहे थे कि क्या क्या आइडियाज लागू हो सकते हैं, कैरिकेचर जो कार्टून्स होते हैं। प्रिंट ऑन प्योर पीपल, जो गरीब लोग थे उन्होंने भी प्रिंटिंग स्टार्ट करी, उन्होंने अपनी दशा लिखी कि भैया कैसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जैसे गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी कि भैया किस तरीके से गुलाम बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा काशी बाबा ने छोटे बड़े के सवाल लिखा, सुदर्शन चक्र के नाम से सच्ची कविताएं पब्लिश की गई कि जो दलित हैं, जो आपके अमीर और गरीब का जो वर्ग है वो कैसे चल रहा है। प्रिंट और सेंसरशिप 1820 के अंदर कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट पास करता है कि भैया आप प्रेस पे रेगुलेट करेंगे, आप हर चीज नहीं छाप सकते, ठीक है। 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जो कहता है कि भैया आप कुछ भी छापेंगे तो उससे पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद भी केसरी पब्लिश किया जाता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और ये कहा जाता है कि हम अपनी चीज़ों से नहीं रुकेंगे। क्लास क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी फ्री करियर काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भाई देखो, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा, सेम वैसे ही हर कोई व्यक्ति साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के अंदर जाकर सारी चीज़ें जान पाए ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पाथ कौन कौन से हैं, ठीक है,
वो हम बताएंगे, क्योंकि उन पास से लोग हजारों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, मतलब अच्छी खासी चल रही है, नाम शौहरत सब कुछ है, तो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे आपके फ्री करियर काउंसलिंग सेशन में। डिस्क्रिप्शन में फ्री फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दो, फ्री करियर काउंसलिंग सेशन में आ जाओ, ताकि तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए अपने गोल को लेकर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।